मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसपुर विकास खंड में जहां पर सभी विभागों के मुख्य कार्यालय हैं, वहीं मुख्यालय पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत है। इस स्कूल में लगभग 800 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश की सरकार की शिक्षा नीति में हुए ट्रांसफर नीति के आगे स्कूल के छात्र अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। सारे शिक्षक इस स्कूल से अन्य जगह चले गए हैं और स्कूल में केवल 28 पद शिक्षकों के नियुक्त हैं, जिसमें से केवल 6 शिक्षक वर्तमान में उपस्थित हैं एवं 6 अतिथि हैं। 2 शिक्षकों को अटैच करके बुलाया गया है। अन्य स्कूल से 28 शिक्षक होना चाहिए, उसमें केवल 50 शिक्षक हैं, तो शिक्षा के क्या हाल होंगे आप ही समझ सकते हैं। स्कूलों में पूरे पीरियड लग नहीं रहे हैं, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनकी देख रेख करने वाले स्कूल में कोई नहीं है। बच्चों की मजबूरी है कि उन्हें पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं है। 12वीं एवं 9वीं क्लास के बच्चों ने बताया कि सर, हमारी कभी आज तक पूरे पीरियड नहीं लगे हैं, 2 से 2.5 महीना हो गए हैं स्कूल खुले हुए, केवल हमारे 1-2 ही पीरियड लगते हैं, हम ऐसे में क्या पढ़ाई करेंगे, हमारा तो भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। हमने सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया, प्राइवेट में लेते तो शायद हमारा भविष्य आज उज्ज्वलता की ओर अग्रसर होता। हमारी शिक्षा केवल राम भरोसे चल रही है, बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं, मुख्यालय पर बैठे अधिकारियों को इतनी फुर्सत भी नहीं है कि शिक्षा के इस मंदिर में जाकर देखें कि बच्चों में किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है। ऐसे ही गरीबों के बच्चों का बेड़ा पार होगा। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। लगभग आपकी स्कूल को लगे 2 महीने से अधिक का समय हुआ, अभी तक आपको किताबें मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। कोई सी विषय की? हिंदी और इंग्लिश मिली है, राजनीति इतिहास और अर्थशास्त्र की नहीं मिली। अच्छा, तो इसमें आपने टीचर से संबंध में बात की कि भाई ये किताबें क्यों नहीं मिल पाई, क्या बोला था? लेकिन मैडम ने बोला कि अभी किताबें छपी नहीं है। अच्छा, मैडम का कहना कि किताबें छपी नहीं है। यस। तो सारे बच्चे अभी क्लास, कितने बच्चे हैं आर्ट्स में? 56 लड़की हैं, 72 लड़कियाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम राहुल लहरवाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 12 आर्ट्स। आपको आर्ट्स की अभी किताबें मिली कि नहीं मिली? नहीं। अच्छा, 2 महीने ज़्यादा समय हो, कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हो कि किताब ना मिली। पेपर आ चुके हैं हमारे, हमारे लाने अब तक बुकें नहीं मिली, बता हमारी क्या पढ़ाई हो रही होगी अभी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई है वो पिछड़ती जा रही, किताब ना मिलने से। बारहवीं की और अभी तक हमारी किताबें नहीं मिली, पेपर आ चुके हैं। जी जी जी। तो मैडम से वगैरह से बात की? मैडम से ही बात की थी, मैडम बोल रही अभी छपी नहीं है किताब। कौन सी क्लास में? 9th में। अभी आपके टीचर इसमें पूरे पीरियड ला रहे हैं क्लास में? पूरे काफी दिन लगती है, एक दो महीने, लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, तो आपको पूरे पीरियड नहीं लगे अभी तक, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही होगी ना आपको। तो कौन कौन सा पीरियड लग रहा है आपका अभी? आईटी का लगता है और बस इंग्लिश का बस। और बाकी 4-5 पीरियड नहीं लग रहा है? अच्छा, केवल 3 पीरियड लग रहा है बस 7 में से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।